I know it'd be more than a moment, but would we be a waste of time? I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? आप लोगों को खाने का कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ में बहुत ही अच्छा है यहाँ का और क्लीन है, बहुत ही हाइजीनिक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल के ऑफिस, मतलब जो हमारे एजेंट है वो हम लोग को सब मतलब सब कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ में एक टूर टाइप का दे रहे हैं। तो अभी हम लोग ने मिल लिया है प्रिंसिपल से और वो बहुत ही अच्छा है और इनसाइड से कॉलेज कुछ ऐसा कुछ दिखता है, बहुत ही मतलब क्लीन है और बहुत ही सुंदर है कॉलेज। बाहर से भी बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर है। अभी हम लोग का बहुत कुछ काम है, ये सब हम लोग का लगेज वगैरह है और अब अभी हम लोग को जाना पड़ेगा मेडिकल चेकअप के लिए। सोचते हैं अभी हम लोग मेडिकल चेकअप के लिए एक एक करके जा रहे हैं, मतलब अगर कुछ पेन है बॉडी में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग बोल सकते हैं। ये है हॉस्पिटल जहाँ पर मेडिकल चेकअप हम लोग कर रहे हैं। यहाँ का हॉस्पिटल 1000 बेड है, मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है day 2। सो आज मैं स्पेशली आप लोग को थोड़ा सा हॉस्टल दिखा दूँगी, मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं कर पा रही हूँ बट जितना भी कर पा रही हूँ मैं आप लोग को दिखाऊँगी। ये है मेरे रूम से एक व्यू, मतलब यहाँ में चारों तरफ टी गार्डन है, सो मतलब बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, बहुत ही पीसफुल, आपको कोई शोर शराबा से कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ये है कैंटीन, सब मतलब स्टूडेंट्स यहाँ में आते खाने के लिए और अगर ब्रेकफास्ट करना हो तो हम लोग यहाँ में आ जाते हैं। आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ का खाना हम लोग ने खाया था पूरी पराठा सब्जी, तो वो था 20 टाका और जो कि इंडिया के कंपैरिजन में मतलब सेम ही है, सिमिलर है, वहाँ भी इतना ही लेता है। सो आप लोग मैं दिखाती हूँ कैसे खाना मिलता है, हमें पराठा सब्जी मिलता है ब्रेकफास्ट में। आप मतलब और भी कुछ ले सकते हैं पर हम लोग ने ये लिया था, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही पराठा खाना है तो वो भी आप बोल सकते हैं उन्हें, सो इट्स गुड। सो दिस इज़ हाउ आवर कॉलेज लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट्स वेरी प्रिटी, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। आप देख ही सकते कितने ह्यूज है बिल्डिंग्स। यहाँ ये है मेन गेट, 2 एंट्रेंस है शायद, ये है मेन गेट पर। यहाँ में बंगाली में लिखा हुआ है जलालाबाद राजकीय प्रभया मेडिकल कॉलेज।
अभी हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन वर्क सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हॉस्पिटल, जलालाबाद राकिब रबिया हॉस्पिटल। सो और अभी हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं, मैं आप लोगों को हॉस्टल हॉस्टल मतलब ये नर्सिंग हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्वारंटीन है। सो मैं आप लोगों को एक टूर दे दूँगी। अभी फ़िलहाल ये है मतलब हॉस्पिटल के साइड से ये है लेडीज़ हॉस्टल टू, यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना पड़ता है। हम लोग का सेकेंड फ्लोर में है। ये है बॉयज़ का और ऊपर है हम लोगों का। अच्छा है वैसे, क्लीन है बहुत और यहाँ से एक व्यू मिल जाता है। ये है बाथरूम, बाथरूम ठीक ही है मतलब मतलब काम चला सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग क्वारंटीन में है तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। सो पर हॉस्टल का व्यू भी आप लोग को दे दूँगी। ये है हम लोग का रूम, ऐसा कुछ दिखता है। हमें 5 beds है पर अभी हम लोग 4 students हैं। सो ये हम लोग ने ऐसा कोई ड्रॉअर वायर नहीं है यहाँ पर, एक ही टेबल है क्योंकि अभी हम लोग यहाँ में परमानेंटली नहीं रहने वाले, सिर्फ 3 दिन का बात है, क्वारंटीन किया गया है यहाँ में। सो यहाँ में एक चेयर है, एक टेबल है एंड 5 bed पर 4 students है। सो एक बेड ऐसे ही बराबर रहता है और ये टेबल हम चारों यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ में हम लोग 4 students हैं, सृष्टि, मैं और सुदीप्ता एंड नाजनी। क्वारंटीन है, मैं आप लोगों को पूरा रूम दिखाती हूँ। ये हॉस्टल नर्सिंग हॉस्टल था पहले, मतलब अब भी है पर अभी खाली है तो हम लोग को क्वारंटीन किया गया है। यहाँ से एक पूरा अच्छा सा व्यू मिल जाता है, यहाँ में टी गार्डन भी है और यहाँ में अभी हम लोग 4 students हैं और सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अभी होपफुली मतलब लकीली मैं सब आसाम के स्टूडेंट्स के साथ ही हूँ, सो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा रूम दिखाती हूँ एंड यहाँ में हम लोग ने कपड़े वगैरह धोया है तो वो सब। और यहाँ में जो आंटी हम लोग को हेल्प करती है उसको खाला बोला जाता है, हम लोग उनको खाला बुलाते हैं। एंड या मैं आप लोगों को एक बार एक रूम टूर दे देती हूँ। ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं है पर अच्छा ही है अभी फ़िलहाल के लिए रहने के लिए। और ये हम लोग का टेबल है, यहाँ में जो भी एसेंशियल्स है, ये मेरा पासपोर्ट वगैरह यहाँ में रखा हुआ है, ये बैग, ये एक चेयर है हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो भी सामान है हम लोग का। और एक बकेट हम लोग लाए हैं यूज़ करने के लिए, टॉवल। और यहाँ में और भी रूम्स है, जैसे यहाँ में और 2 रूम हैं और यहाँ में एक रूम है जो जिसमें खाला रहती है और वो सब शॉप्स वगैरह है। यहाँ में नेट लगा हुआ है। सो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक लेने, मैं और मेरी एक दोस्त जाएंगे। हम लोग कैंपस के अंदर में ही वॉक करेंगे, कैंपस बहुत बड़ा है तो अंदर में ही हो जाता है, मतलब अगर वॉकिंग करना है या फिर कुछ भी थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग मतलब हॉस्टल के अंदर में रहते हैं ना बहुत टाइम। सो थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग का एक नाइट व्यू भी दे देंगे कैंपस का। नाज़नीन हाय। सो रात में कॉलेज ऐसा कुछ दिखता है,
ये है जो हॉस्पिटल है और ये मेन गेट। और अभी मैं आप लोगों को कैफेटेरिया भी दिखाती हूँ बाहर से, कैफेटेरिया कैसा दिखता है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये है कैफेटेरिया। यहाँ मैं आप लोगों को मतलब कुछ भी खाना आप लोग आ सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इमरजेंसी वार्ड भी दिखाती हूँ। ये है इमरजेंसी वार्ड, यहाँ में मतलब पता ही है इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी। और ये है हॉस्टल और कॉलेज भी इसी तरफ है। और फिर एटीएम भी आप लोगों को दिखाती हूँ। हमें कैंपस में हम लोग का एटीएम है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंटरनेशनल कार्ड लेके आइए, मतलब एसबीआई का इंटरनेशनल कार्ड या फिर कोई भी इंटरनेशनल कार्ड अगर आप लोग स्पेशली इंडिया से आ रहे तो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन नोटिफाइड रहने के लिए हमेशा। एंड या डू लाइक माई वीडियो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आप लोगों को पसंद है मेरा कॉन्टेंट। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।